हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वारिका नगरी से जुड़े हुए कुछ रहस्य के बारे में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और सात पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका पुरी, जहाँ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। तो इसी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानेंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वन, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कुश पिछा कर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुश स्थली था। नंबर टू, हरिवंश पुराण के अनुसार कुश स्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। नंबर थ्री, कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतिथि, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग स्थान भी कहा जाता है। नंबर फोर, इस नगर में विशाल काय सभा मंडप था, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल भी थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। नंबर फाइव, वर्तमान की द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारिकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यह पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया था। नंबर सिक्स, बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया था। उनके देहांत के दौरान द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का नष्ट हो गया था। नंबर सेवन, यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश को नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई थी। नंबर एट, एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारिका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। नंबर नाइन, द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रड छोड़ जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। नंबर टेन, वर्तमान में द्वारिका दो है, गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पूरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। तो ये रही 10 ऐसी खास बातें जो द्वारिका नगरी से जुड़ी हुई थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।